नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बालोद की। यहाँ गौठान में लगे लोहे के एंगल को चोरी करने वाला आरोपियों का अर्जुंदा पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहाँ वज्रपात के कारण ट्रांसफार्मर जला, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हुए। और प्रतापगढ़ में युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की सक्रियता में मृत गौवंश को BDO SI की उपस्थिति में किया गया मिट्टी में सुपुर्द। तमाम खबरों में करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां बता दें कि मामला कुछ इस तरह है। प्रार्थिया सुशीला देवांगन द्वारा थाना अर्जुंदा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम मोहंदी पाट के गौठान में लोहे के खंभे से चारों तरफ घेरा किया गया था। दिनांक 18 मई 2024 को गौठान में लगे 15 से 20 खंभे नहीं थे, जिसे कोई अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। बता दें रिपोर्ट में थाना अर्जुंदा में धारा 379 भादावी के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना पर ये संदेही जयप्रकाश जोशी शिवकुमार यादव से पूछताछ करने पर प्रकरण में चोरी गए 18 नग लोहे का एंगल वजन करीबन 90 किलोग्राम, कीमत करीबन 10,000 रुपये का चोरी कर स्वीकार करने पर आरोपियों के कब्जे से 18 नग लोहे का एंगल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 05S4048 होंडा साइन मोटरसाइकिल को बरामद कर जब्त किया गया है। आरोपियों द्वारा अपराध घटित कराए जाने पाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलत की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां बता दें कि गांवा प्रखंड अंतर्गत बादीडी पंचायत के ट्रांसफार्मर जलने से ग्रामीण परेशान है। बिजली विभाग से गुहार लगाई, नए ट्रांसफार्मर की मांग की। गांवा प्रखंड अंतर्गत बादीडी पंचायत में 5 दिनों से बिजली गुल हो गई है। इससे गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो गई है। इसे लेकर ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह बिजली के अभाव में ग्रामीणों को अंधेरे में रहने को मजबूर है, जिसके कारण शाम ढलने से पहले अंधेरा छा जाता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही वज्रपात के कारण ट्रांसफार्मर जल गया था, जो पूरी तरीके से बाधित हो गया। ट्रांसफार्मर जल जाने से यहाँ के काफी जनसंख्या में इस गांव में पूरा अंधकार बना हुआ है। अंधकार में लोग डूबे हुए हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने नए ट्रांसफार्मर 200 KV लगाने की मांग की है। यहां का ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 5 से 6 दिनों से बिजली यहां पर बाधित हुई है, जो कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं किसान वर्ग के लोगों को लिए सिंचाई एवं कृषि योग्य सभी तरह के पौधे इस कड़ाके की धूप में सब मर रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने गांव बिजली विभाग को लिखित आवेदन दिया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने 200 KV ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। मौके पर उपस्थित सुरेंद्र प्रसाद यादव, राम प्रसाद यादव, महेंद्र प्रसाद यादव, सुनील कुमार, राम रतन कुमार, अशोक कुमार एवं दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बोलिए, ये देख रहे हमारे सामने बादीडी का ट्रांसफार्मर है, जो बादीडी पंचायत के तकरीबन 100 से 150 घरों तक का बिजली का ये कवर करता है। अभी हाल ही में 1 सप्ताह पहले खराब मौसम के कारण वज्रपात हुआ, जो जिसकी वजह से ये जो है सो बिल्कुल ख़राब और ठप हो गया है। इसका तीनों फेज तकरीबन ख़राब हो चुका है, जिसके लिए हमारे ग्रामीण लोग पूरे बिजली विभाग से अनुरोध कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि लोग बिजली की आपूर्ति से एक बार फिर से लाभ उठा सके। काफ़ी दिक्कत में है इस गर्मी के मौसम में, लोग बहुत परेशान हैं, ग्रामीण जो है वो इसका सख्त और कड़ी विरोध कर रहे हैं। आप बिजली विभाग के लोगों से हम लोगों की अपील है, अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके बिजली की आपूर्ति दोबारा शुरू की जाए। गिरिडीह गावा से सीनियर संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां बता दें कि यात्री बस और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए। सभी घायल लोगों को इलाज के लिए MMCH हॉस्पिटल भेजा गया। पलामू मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 39 पर एक यात्री बस और हाईवा में सीधी टक्कर हो गई। हाईवा चालक और बस के सहचालक समेत 12 यात्री जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज MICH में किया जा रहा है। बताया जाता है कि लातेहार के मंडल से चलकर सिमी यात्री बस डाल्टनगंज आ रही थी। बस में 40 से 50 यात्री थे। जैसे ही पंकज धर्म कांटे के समीप पहुंची कि विपरीत दिशा से आ रही हाईवा से सीधी टक्कर हो गई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जख्मी यात्रियों में राजू देवी, सरिता देवी, धनपति सिंह, भुवनेश्वर सिंह, सरोज सिंह, दिलीप सिंह सहित अन्य हैं। सभी बरवाडीह लातेहार के निवासी हैं। पलामू से सीनियर संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से, जहां देवसरा ब्लॉक के पीथापुर ग्राम सभा का मामला है, जहां पर कल एक गौवंश सुबह से मृत पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने जिलाध्यक्ष पवन कुमार त्रिगुणायत को दी। उन्होंने युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन संगठन के ग्रुप में अवगत कराया। ग्रामीणों ने प्रधान को इसकी सूचना दी थी, पर प्रधान ने नजरअंदाज कर इसकी सूचना दोपहर बाद वीडियो को दी। वीडियो ने बताया कि प्रधान का काम है वही कराएंगे। संगठन के द्वारा सेक्रेटरी को फोन किया गया, पर उन्होंने फोन उठा देर रात्रि। मृत गौवंश स्थान पर स्वयं वीडियो SI अनुपम त्रिपाठी ने पहुंचकर मृत गौवंश को मिट्टी में सुपुर्द कराया। आखिर में पहुंचे ग्राम प्रधान, सब कुछ होने के बाद उपस्थिति दर्ज कराई। मौके पर उपस्थित लालजी त्रिगुणायत, धर्मेंद्र सिंह, BDC राजकुमार, संजय सिंह एवं समस्त ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के कोचस प्रखंड के ग्राम रामपुर से है, जहां श्री रामचरितमानस महायज्ञ 48वां आयोजन बेहद जोर शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं आज सैकड़ों की संख्या में सभी भक्त श्रद्धालुओं ने मिलकर लक्ष्मी नारायण भगवान का महाभिषेक किया। वहीं आचार्य शिवानंद पांडे, सुधीर पांडे, संतोष चतुर्वेदी, संतोष पांडे सहित सभी ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारणों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। ग्रामीणों ने श्रद्धा भक्ति की भावनाएं जागृत हुई, पूरे ग्रामवासियों में उत्साह दिखाई दिया। आचार्य शिवानंद पांडे ने बताया कि प्रत्येक गांव में यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ में बज रहे ध्वनि यंत्र के माध्यम से वैदिक मंत्रोच्चार जहां तक पहुंचते हैं, उतनी दूर तक सारी नकारात्मक शक्तियां विनष्ट हो जाती हैं। पूर्णाहुति के दिन जो हवन किया जाता है, उसमें हर प्रकार की औषधियां मिली हुई रहती हैं। इस हवन के करने से पर्यावरण शुद्ध होता है और मानव जाति के साथ ही कीटाणु के विरुद्ध जो हानिकारक विषाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। मौके पर अध्यक्ष यमुना चौधरी, उपाध्यक्ष शिवजी सिंह, सचिव गोपाल सिंह, कोषाध्यक्ष राधेश्याम सिंह के साथ और अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोहतास से सीनियर संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।